अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम आज ATS पैनल लगाने के लिए आए हैं। ये दो जनरेटर हैं 200 KV के, एक ये जनरेटर सामने वाला और एक जनरेटर वो पीछे पड़ा हुआ है, और ये ATS में काम चल रहा है। ठीक है, ATS पैनल इसका सर्किट हम ऐसे बना रहे हैं कि यानी ये जो जनरेटर जनरेटर नंबर 1 है और जनरेटर नंबर 2, ये दोनों की केबल हमारी आएगी अपना हमारा ATS पैनल में, और ATS पैनल से लेके हम जाएंगे केबल सब स्टेशन के अंदर, वहाँ पे ब्रेकर लगा के वहाँ से आगे आउट दे देंगे। ठीक है, इसका सब स्टेशन के साथ कोई कनेक्ट नहीं रहेगा, ये ओनली टेम्परेरी हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सर्किट दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा करीब जाके, देख रहे हैं जैसे कि ऐसा यहाँ पे लगा RYB और ब्लैक साथ में। ठीक है, ये केबल है, इसमें दो अर्थ डाले गए हैं, एक अर्थ जाएगा अर्थ पिट में और एक जाएगा सीधा ATS पैनल में। ठीक है, उसके बाद ये इसका कंट्रोल सिस्टम है, ये सेल्फ स्टार्ट है, इसमें की लगा हुआ अंदर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए अभी साफ नज़र आ रहा है, अभी ब्रेकर हमारा ऑफ हालत में है। ठीक है, और यहाँ से ये सेल्फ स्टार्ट है, यहाँ से की से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं बटन से भी, और ये इसका एमरजेंसी स्विच बटन रहेगा, और इसकी जो मेन पावर है वो 200 किलोवाट। ठीक है, 200 किलोवाट के दो हमारे जनरेटर रहेंगे, एक जनरेटर वो लगा हुआ है सामने उस साइड पे। अभी काम चालू है जैसा कि आप देख रहे हैं, काम लड़के कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी हम ATS आपको दिखाएंगे। ये हमारे आदमी यहाँ पे केबल यानी टर्मिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो जनरेटर 1 मैंने आपको बताया वो वाला, उसकी जो केबल आ रही है ये नीचे से, ये देखिए पैनल के नीचे से होती हुई यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, और जो हमारा जनरेटर नंबर 2 है, जनरेटर सप्लाई वो सेंटर में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं, इसमें जनरेटर नंबर 2 कनेक्ट करेंगे, इसमें सप्लाई 2 लिखी गई है, और जिसमें मेन सप्लाई लिखी है उसमें हमारा जनरेटर नंबर 1 कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए मेन सप्लाई, लेकिन यहाँ पे हम जनरेटर कनेक्ट करेंगे और जो लोड सप्लाई है वो आखिर में, ये हमारा लोड कनेक्ट हो रहा है। अभी ये जो केबल पंचिंग की जा रही है ये लोड की केबल है। ठीक है, इसका सर्किट मैं एक दूसरा वीडियो में भी बना के बताऊंगा कि ये हमको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ओनली 6 मंथ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये इसके दोनों कंट्रोल है, ये आपस में इंटरलॉक रहेंगे। ठीक है, इंटरलॉकिंग सिस्टम रहेगा, बाकी इसका कंट्रोल सिस्टम ऊपर पूरा लगा हुआ है, टाइमर वगैरह, और ये इसका मेन ATS कंट्रोलर है बाहर। ठीक है, वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर वगैरह सब भी लगा हुआ है, ये देखिए। और उसके बाद ये जो मेन केबल अभी टर्मिनेशन की जा रही है वो जा रही है हमारी सीधी सब स्टेशन में जाएगी, सब स्टेशन में। अभी मैं जाके सब स्टेशन में जो भी चेक करवाता हूँ क्या क्या काम हो रहा है। और इधर आगे हम सब स्टेशन में हमने MCCB इंस्टॉल कर दिया है, ये 250 एम्पेयर में है, और उसके बाद इसके लिए जो ये आउट केबल है ये हमारी आउट केबल रहेगी, ये भी 120 की है। ठीक है, और जो हम जनरेटर से लेके आ रहे हैं वो ये केबल रहेगी। ठीक है, ये इनकमिंग में लगेगी ये केबल, और आउट हमारा जाएगा इस केबल से। ठीक हो गया, ये ब्रेकर इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर लड़के काम कर रहे हैं अभी, और इसमें दिखाने के लिए दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी उसमें है, इसमें सारा डिटेल में बताया गया। ये देखिए सब स्टेशन पहले से यहाँ पे बैठा चुके हैं लड़के, लेकिन हमारा काम आज का एक ये ब्रेकर लगा के MCCB 3 पोल का इसको कनेक्ट करना है, ये केबल हमारी 2 केबल, अभी काम चल रहा है। और इसके नीचे जो मेन होल है सब स्टेशन के नीचे, उसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा है ये केबल, ये देखिए मेन केबल है हमारी नीचे, ये जाएगी सीधे ट्रांसफार्मर में, वहाँ से VCB में, VCB से आउट होती हुई सीधी तरह जाएगी। ये हमारी बैटरी हैं ATS पैनल की, ये देखिए बैटरी भी हम इंस्टॉल करेंगे, इसकी भी मैं बाद में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, इसका कनेक्शन वगैरह कैसे है।
ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, तो ये केबल जो हम डाल रहे हैं यहाँ पे, ये 120 की केबल है, और इसके लिए जो ग्लैंड यूज़ किया है वो हमने 50L का यूज़ किया है, और 120 के साथ जो अर्थिंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये 70 का यूज़ कर रहे हैं। और बाकी हमारा अर्थिंग पिट वगैरह सिस्टम वो पड़ा हुआ है अर्थिंग का। अभी थोड़ी देर के बाद ये पैनल का काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में हम ये काम शुरू करेंगे अर्थिंग का।